बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 1 9th क्लास कंप्यूटर, उसकी तीसरी वीडियो है जो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के हवाले से। आपने साइनॉप्सिस अगर देखा है तो आप उसमें आपने गौर किया होगा कि हम लोग जितनी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं ना उसको बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम लोग। तो कोशिश है, ये एक बहुत टफ काम है क्योंकि शायद हम वेले या फिर हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े बेहतर हैं या जो भी है, बरकर कुछ है या नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमारे पास इतना टाइम बचता है या हमें उसने वक्त दे रखा है। उसकी ज़ात का लाख लाख जितना शुक्र अदा किया जाए उसकी ज़ात का कम है कि इतना कुछ करने के बावजूद फिर हम ये टाइम बना पाते हैं कि इसके अंदर फिर ये सारा कुछ किया जाए बग़ैर किसी आप कह लो कि उजरत के या बग़ैर किसी काम के। ये दुनिया का अंदर जहाँ जहाँ किसी चीज़ की एक जो फ़ायदा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हो सकता है तो अगर हमारी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा हो सकता है तो उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा होगा तो ज़रूर वो आगे ज़रूर बज़रूर किसी को फ़ायदा देगा। क्योंकि जो हमारे पास ये चीज़ें पहुँची हैं ऑब्वियसली ये भी किसी ने बहुत काम किया है इसके ऊपर, तो आज हमारे पास है, हमने इसके ऊपर एक अगला काम करके इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसे आप सीखने के बाद इसको आप कितनी स्पीड के साथ आगे पहुँचाते हो या कितना आप आगे रिसर्च वर्क जो है इसके ऊपर जो भी आपने करना है जहाँ जाना है। चीज़ें आसान हो गई हैं, बहुत आसान हो गई है, सिर्फ अब आज अगर कोई हेल्प नहीं ले पा रहा या उसकी तरफ नहीं आ पा रहा तो वो फिर उसकी किस्मत आप कह लें या जाके उसकी लापरवाही कह लें, कुछ ना कुछ है ज़रूर कि जिससे लोग उससे नहीं आ पा रहे। तो अल्लाह ताला की हुजूर ये दुआ है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में वो हमें इस काबिल बनाए कि हम जो है ये ऐसा कुछ काम दुनिया के लिए कर जाएँ कि जिससे कुछ आगे कुछ बेहतरी आई जा सके, इंसानियत के लिए कुछ बेहतरी है। छोटा काम है, लेकिन मैंने शुरू में आपको किसी वीडियो में शायद बताया था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। जैसे वो शाहरुख खान कहता ना कि अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता, तो वो ऐसे ही है जैसे वो उसकी अम्मी जान कहती थी ना कि कोई धंधा छोटा नहीं होता, इसी तरह कोई काम छोटा नहीं होता। जितने काम हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको फायदा देते हैं और आगे किसी को फ़ायदा दे, और अगर आपने किसी को फ़ायदा पहुंचाया तो ज़रूर उसका फ़ायदा अल्लाह ताला की तरफ से आपको अजर की शक्ल में मिल सकता है। ये बात जहन में रहनी चाहिए। तो खैर, उसकी तो अम्मी जान कहती थी तो यहाँ हम क्या कहते हैं ये सुनिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है हमारा टॉपिक और बात करते हैं जी, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दे हैंडल, जो वो डेटा हैंडल करते हैं उसके लिए यहाँ पे। और एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं, ये तीन हैं हमारे पास। और उसके बाद आगे चलते हैं जी, इनको हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और क्या, बस यहाँ तक, ठीक है। चलो, एनालॉग कंप्यूटर्स बहुत ब्रीफ सा यहाँ पे ये है सारा। एन एनालॉग कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू प्रोसेस एनालॉग डेटा, ठीक है। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर, तो क्या होता है एनालॉग डेटा? सो एनालॉग डेटा इज अ कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा विच कैन बी मेजर्ड, मेजर्स नहीं है ये, मेजर्ड है, विच कैन बी मेजर्ड बट नॉट काउंटेड। इसको मेजर तो आप कर सकते हो लेकिन इसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि ये नहीं कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर, जैसे किसी की हाइट है तो एक कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब इट्स कैन मे अज्यूम एनी वैल्यू, एक पर्टिकुलर इंटरवल के दौरान से कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक हो गया। सो एन एनालॉग डेटा मे एज्यूम एनी वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू इसकी आ सकती है। फॉर एग्जांपल सच दैट द डेटा, सच डेटा आर, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, तो प्रेशर को गिना नहीं जा सकता, इसको आपने हमेशा मेजर ही करना है और ये कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। और टेम्परेचर हो गया, वोल्टेज हो गया, स्पीड हो गई, हाइट हो गई, ये इनको अब इनको जो करेंगे यानी इसको एनालाइज करेंगे या इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे तो वो वाले कंप्यूटर सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर्स होंगे। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड मेनली इन द साइंटिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये जितने साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप ये देख लें, एक वो स्टेथोस्कोप होती है और वो बाकी कितनी स्कोप होती है, इन सारों के अंदर ये सारी एनालॉग होती है और ये कंप्यूटर्स हैं। नीडल क्लॉक जो होती है वो सुइयों वाली घड़ी होती है वो, और आई होप कि मैं आपको वो दिखा पाता यहाँ पे। और स्पीडोमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, आर द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। ये सारे क्या हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक
ठीक हो गया। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर विच इज यूज टू प्रोसेस द डिजिटल डेटा, वो एनालॉग डेटा प्रोसेस करता है, ये डिजिटल डेटा प्रोसेस करता है। और डिजिटल जो डेटा है इज अ डिस्क्रीट डेटा, वो कॉन्टीन्यूअस था, ये डिस्क्रीट है, इन आइदर ऑफ द स्टेट्स ऑफ जीरो एंड जीरो या वन, या तो जीरो होगा या वन होगा, ये दो में से कोई एक स्टेट होगी। डेटा इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन इज कॉल्ड डिजिटल डेटा, एंड द डेटा डिजिटल कंप्यूटर्स आर प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये डिजिटल कंप्यूटर सारे प्रोग्रामेबल थे, जिसके अंदर आप प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हो और सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजिटल आर सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप एंड मैकबुक, दीज आर द एग्जाम्पल्स। उसके बाद है तीसरी फॉर्म और वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। हाइब्रिड मिक्सचर है, यानी वो डिजिटल भी है और साथ साथ एनालॉग भी है। आजकल आपने कारें देखी हैं, यानी वो उनके घड़ियाँ भी कई ऐसी आई हैं, या उसके डिजिट्स में भी हैं, बाकी भी हैं, और आजकल जितनी कारें हैं वो सारी आपकी हाइब्रिड कारें हैं, यानी वो एनालॉग और डिजिटल सारी हैं, यानी आपने उसको मैकेनिकली भी कंट्रोल करना है और डिजिटली खुद भी कंट्रोल होती है। लो जी, तो हाइब्रिड यानी इसका मिक्सचर of analog and digital computers, or hybrid computers can handle both analog as well as the digital data. The main purpose of such computer is to overcome the disadvantages of the both system. Yani iska hybrid ka ye lafzi matlab ye hota hai ki aapne jo hai jo disadvantage analog ki thi wo ye cover kar le digital, aur jo digital ki disadvantage thi wo analog cover kar le aur ek acha system samne ban kar aa jaye, ye iska purpose hai. The main purpose of such computer is to overcome the disadvantage. ये हो गया। और hybrid computer is a computer that accepts the analog signals and convert them into digital and process them in a digital form. ठीक हो गया, ये था यहाँ तक। और ये छोटी सी वीडियो थी हमारी types of computers के ऊपर, और ये जो types of हमने computers discuss किए कि on the basis of the data handling है, यानी जिस तरह का data वो handle करते हैं, इस तरह की ये types हैं। आगे हम फिर types of computers पढ़ेंगे, लेकिन वो होगी on the basis of the साइज, जिसको क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स की किताब में लिखा हुआ है। तो वीडियो आपको लगी अच्छी तो कर लें इसको लाइक, नहीं लगी अच्छी तो कर दें इसको डिसलाइक, और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका इंतहाई और बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया।